ओम शांति। भगवान वाच, जो बच्चे अपने घर को बाप का यज्ञ समझते हैं, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, और उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। कितना सुंदर महावाक्य है। ये समय है जबकि हम सब कुछ तेरा ऐसा कर दें, मेरा मेरा करते तो हम मेले होते आए, भारी होते आए। मेरा बच्चा, उसका ये करना है, उसे पढ़ाना है, वो पढ़ता नहीं है, उसकी शादी करनी है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी पत्नी झगड़ती है, अच्छी नहीं है, मेरा पति ठीक से काम नहीं करता, शराब पीता है, ये मेरा मेरा मन को भारी कर देता है और हम स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को भरपूर नहीं कर पाते। इसलिए आज दृढ़ संकल्प कर दें, राजयोग माना, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। अपने घर को देखें, परिवार को देखें, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को देखें और संकल्प कर दें, ये सब बाबा के हैं, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। हम यज्ञ से ही खाते हैं, हम अपने लिए कमाते नहीं हैं, हम अपने लिए नहीं कमाते, हम बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं। हम घर में अपना काम नहीं कर रहे, हम तो बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। प्यार से अपने घर को देखो और संकल्प करो, बाबा ने ये सुंदर यज्ञ हमें दिया है संभालने के लिए, ये बच्चे दिए हैं संभालने के लिए, ये सब तो उसके ही हैं। कितना सस्ता सौदा है कि सब कुछ तेरा कर दो तो भंडारे भी भरपूर रहेंगे और भंडारी अर्थात धन संपदा भी भरपूर रहेगी और अपने यज्ञ की केयर स्वयं भगवान करेंगे। सोचो हम कितनी केयर कर सकते हैं, हम तो कर भी नहीं सकते। और यदि बाबा को हम अपना केयर टेकर बना दें, अपना बॉडीगार्ड बना दें, अपना संरक्षक बना दें, तो वो कितनी सफलता पूर्वक हमारे घर रूपी यज्ञ की संभाल करेगा, बच्चों की संभाल करेगा। आज तक बहुतों के ये अनुभव रहे हैं कि जैसे ही मेरा बच्चा नौकरी नहीं मिल रही, ये संकल्प मन को बार बार भारी कर रहा था और ये संकल्प प्रभु को अर्पित किया, ये तेरा बच्चा है तुम इसे संभाल लो, तो बहुत जल्दी बच्चा सेट हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई। हमारा क्या जाता है सब कुछ अर्पित करने में, बाबा किसी का लेगा क्या, वो तो दाता है। हमारी ये छोटी सी धन संपदा, हमारे ही मिट्टी के मकान, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो इस धरा को हीरे मोतियों से भरपूर कर देता है, जो मनुष्य को देवत्व प्रदान करता है, जो संसार को स्वर्ग बना देता है, क्यों न हम उसको अपना ये थोड़ा सा अर्पित कर दें। मन से अर्पण करने की बात है और इसकी सेवाओं में बहुत कुछ लगाना भी है। अगर हम मेरा मेरा करते हुए अपने पे बैठे ही रहते हैं, प्रभु कार्य में जरा भी अर्पण नहीं करते, तो हमारे उस धन संपदा की न तो वृद्धि होती और न वो हमारे लिए सुखदायी बनती है। जो जितना अपना सर्वस्व ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, उनकी बहुत वृद्धि होती है और उनका धन संपदा, उनके परिवार उन्हें बहुत सुख देते हैं। मेरा मेरा करने से दुख मिलता है, तेरा करने से सुख मिलता है। तो आज हम हर घंटे में एक बार सूक्ष्म लोक में चलेंगे और देखेंगे सामने बाप दादा खड़े हैं, बाहें फैलाए हुए, आओ बच्चे
और कर देंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ये बच्चे तेरे, ये धन संपदा तेरी, ये घर मकान दुकान बिजनेस तेरा, और आज सुख लेंगे इस सुंदर अनुभूति का। ओम शांति।